कैसे यार एकदम कैसे घूम सकता है कोई भी जनरल आदमी, ऐसे कैसे घूम सकते हो? हाँ भाई, कोई जनरल आदमी ऐसे कैसे घूम सकते हो? ये देखो मेरा पैर देखो, अरे ब्रिज को देखो, ये देखो हिल रहा है ब्रिज पूरा, कुछ नहीं छोड़े चलती चलो। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, इट इज 7 o'clock इन द मॉर्निंग। हम लोग एक गुना में आज का जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग फ्रॉम गुना टू लखनऊ, विच इज़ अप्रॉक्स 560 किलोमीटर्स, 9 घंटा, 9.5 घंटा गूगल दिखा रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग उससे पहले विद ब्रेक वहाँ पे पहुँच जाएंगे। अगर नहीं भी पहुँचे तो 9 घंटे में आराम से पहुँच सकते हैं हम लोग विद ब्रेक। आई वॉज स्टेइंग एट दिस होटल यस्टरडे। इस लाइन में गुना साइड में होटल का इतना कुछ ज्यादा ऑप्शन नहीं मिलने वाला, तो जो मिलेगा उसमें आपको रहना पड़ेगा। भोपाल से आओगे तो ऑप्शन बहुत मिलेगी। अगर आप बैचलर्स आ रहे हो, ग्रुप ऑफ के साथ आ रहे हो, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट देन अगर फैमिली आ रहे हो ना, तो मैं यहाँ पर रिकमेंड नहीं करूँगा आपको। आज होली दहन है, आज शाम को होली जलेगा, शाम से पहले पहुँच जाओ तो बेटर है। So without further ado, let's start the vlog guys. So what is up all you beautiful people, welcome to my channel. Mera naam hai Dil and how is everyone guys? Janu is all set, full set loaded. Nikalte hai phat phat aur phat phat. Filhal ke liye maine kha liya hai 2 chikki, do maine kal 4 chikki liye the na, 2 chikki maine abhi kha liye. Beech mein apne ko aisa khane ka koi option milta tha, wahan baithenge aaram se khayenge dabba ke, ताकि दोपहर का टेंशन हट जाए और शाम को डायरेक्ट अपन पहुंच जाए लखनऊ में। ओ भाई है इधर रिसोर्ट होटल है भाई, है आगे ढूंढोगे तो मिलेगा, मगर आगे आना पड़ेगा। मैंने पीछे ढूंढा था, मैं आगे नहीं आया था। तो क्विक अपडेट गाइस, गुना वाले रास्ते से जब आप आते हो वो वाले रास्ते से, तो सीधा जाओगे ना तो आपको मिलता है ग्वालियर इटावा वाला रास्ता। और अभी मैंने यू टर्न लिया, इस रास्ते पे आया, अभी लेफ्ट लूँगा झांसी वाले रास्ते से, ओराई झांसी वाले रास्ते से जाने का है। 100 रुपया है पेट्रोल का प्राइस, 100.10 करो, फुल करो। ये झांसी कितना दूर होगा यहाँ से? 80 किलोमीटर है। तो भैया लगभग 200 किलोमीटर होने को आ गए, 198 किलोमीटर हो चुके हैं और अब तक अपन ने ब्रेक नहीं लिया है। ब्रेक लेने के लिए कुछ अच्छी जगह नहीं मिल रही यार, सब ऐसी एकदम क्या ही बोलूँ कैसी जगह है। UPMP बॉर्डर भी आ जाएगा अभी थोड़े टाइम में। क्यों उतार दिया भाई? आई थिंक वहाँ पे टेस्टिंग चल रहा था RT-PCR का, ट्रक वालों के लिए शायद। गाइस वो दिख रहा है आपको बीच में, अभी जस्ट मैं यहाँ पे ब्रेक के लिए रुका था एंड टायर फट गया एक ट्रक का, बहुत ज़ोरदार आवाज़ आई एंड हम लोग अंदर से बाहर आके देखे तो ये टायर फटा हुआ था। वो ट्रक वाले ने कैसे करके कंट्रोल किया, टायर यहाँ फटा, हम लोग यहाँ बैठे थे। उसके आजू बाजू बाइक वाला होता ना तो उड़ ही जाता वो। 1.25 घंटा और 90 रुपये वेस्ट करने के बाद यहाँ से निकल रहे। आधा पराठा खाया मैंने, आधा तो बेचारे वो गाय को दे दिया। और ये अपना वीडियो भी आज लाइव हो चुका है, उराई आएगा अभी 100-130 किलोमीटर में, देन उसके बाद लखनऊ आएगा। तो अभी लंबा सफ़र है 300-350 किलोमीटर का, चलो चलते। फेमस ताजा गन्ने का जूस, कैसा जूस बनाओ? ऐसे कैसे यार एकदम कैसे घूम सकता है कोई भी जनरल आदमी, ऐसे कैसे घूम सकते हो? हाँ भाई, कोई जनरल आदमी ऐसे कैसे घूम सकते हो? पेट्रोल डालने का गाड़ी पर घूमने का। चलो भैया गन्ने का जूस बढ़िया था, एंटीक पीस मिल जाते एक। इट इज़ 12:43, लखनऊ यहाँ से 200 किलोमीटर है, 3-3.5 घंटे में लखनऊ पहुँच जाऊँगा। ये कौन सी नदी है? जमुना नदी है ये। अच्छा इसीलिए दाह संस्कार हो रहा है यहाँ पे। थैंक यू। मैंने बोला ना कुछ इंटरेस्टिंग रहेगा तो बताऊँगा। जमुना नदी है देखो ये, वहाँ पे दाह संस्कार हो रहा है। इंटरेस्टिंग जमुना नदी नहीं थी, इंटरेस्टिंग एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पर खड़ा होता हूँ, ये देखो मेरा पैर देखो, अरे ब्रिज को देखो, ये देखो हिल रहा है ब्रिज, बाकायदा हिल रहा है ये ब्रिज, खतरनाक सीन। मैं यहाँ पे रुका, डर गया एक पल के लिए, तो मतलब क्या चल रहा है, नया बंदा आएगा ना डर जाएगा। ये देखो कितना हिल रहा है ये। अभी कानपुर से ज़्यादा दूर नहीं हम लोग, कानपुर से जस्ट पहले ही है, निकलते हैं यहाँ से, बहुत गर्मी है। तो गाइस अभी लास्ट फ्यूल स्टॉप लिया मैंने, इसके बाद में अपने को बस 130 किलोमीटर जाना है और अपने पास रेंज 300 का है। यहाँ पे पेट्रोल का प्राइस 88 रुपीज़ था, जो MP में पेट्रोल भरवाया था उसका प्राइस था 100 रुपये, 12 रुपये का फ़र्क है। अभी लखनऊ है 134, सीधा ही रोड है। हॉस्पिटल को देखो, लखनऊ का हॉस्पिटल है ये,
और अपन लखनऊ पहुंच गए 3:30 बजे। तो अभी मैं जा रहा हूँ लखनऊ में, आपको पता है कहाँ पे मैं वही जा रहा हूँ जहाँ पे हमेशा जाता हूँ, जो लास्ट टाइम पे भी गया था। चलो भैया पहुँच गए लखनऊ, फ़ोन करके सरप्राइज़ करते, सरप्राइज़ क्या उनको पता है वैसे तो। हेलो, अरे स्वागत नहीं करोगे हमारा? अरे आ गया तू? अरे आ गया मतलब क्या होता है? अरे आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे सब। हाँ, फूल मारा, फूल माला लेके आ रहे हो ना? रख दी। ओ भाई भाई भाई, क्या है स्वागत वागत तो नहीं कर रहे तुम लोग? फूल हार किधर है? क्या है क्या फूल हार किधर है भाई? क्या है माला भीला भी लाई नहीं तुम लोग? अरे लगेज तो बहुत सारा है यार, थक गया हूँ मैं। ओ भाई तू पतली हो गई बे, क्या मजाक कर रही है? क्या खा रही नहीं है क्या कुछ? अरे और ये तेरे थुड्डी में क्या हो गया? हिमांशु क्या बोलता है? हम व्लॉग में चालू है क्या? तुम लोग व्लॉग में हो? लोग आज सामान वामान अनलोड करता हूँ फिर मिलता हूँ, हालत ख़राब है अभी। इस बैल्कनी में आके बहुत टाइम हो गया था, तो फाइनली आ गया, फ्रेश हो गया। जैसे आपको बताया कि फ्रेश होके मिलता हूँ मैं आपको। हमारे साथ में है हेमंत है, मेनका है, उनकी पूरी फैमिली है। फैमिली अंदर बैठी है अभी। अच्छी नहीं क्या? नहीं, अंदर होली का अभी प्रिपरेशन चल रहा है एंड अंदर गुजिया बन रहा है। गुजिया अभी मेनका आपको लेके जा, मेनका अंदर ले जाके हाँ। सबको इंट्रोड्यूस करवाना कि मैं ये कैमरा लेके जाऊंगा ना, ऑकवर्ड हो जाएगा सब। तू लेके ना फाइन। चलो मैं लेके चलती हूँ। आज हमारे यहाँ गुजिया बन रहा है, सारे फैमिली मेम्बर्स हैं यहाँ पे सब गुजिया बना रहे हैं। गुजिया यहाँ बन रहा है, पापा बना रहे हैं गुजिया। वो तो बनाने वाले ने बनाया, मैंने तल दिया। हाँ, ये मेरी मामी है और ये हमारी फैमिली है और हम यहाँ पे गुजिया बना रहे हैं। मम्मी आप क्या कर रहे हैं? बिल। मैंने सबको इंट्रोड्यूस करवा दिया, अब बाकी तुम्हें कुछ करना है, मुझे इंट्रोड्यूस करना है तो तुम कर सकते हो। तुझे ऑलरेडी सब जानते हैं मैं कौन हूँ। तुम लोग जानते हैं सच्ची में? सच्ची में जानते हो क्या? गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड हैप्पी होली। आज होली का दिन है। कोरोना के चक्कर में इस साल की होली तो खत्म हो गई, मगर हम लोग थोड़ा बहुत खेलेंगे विद इन फैमिली। आज नेपाल के लिए निकल सकते थे बट आज बाहर नहीं निकलने वाले, क्योंकि होली का कोई भरोसा नहीं है, यहाँ पे नहीं खेल रहे। शायद बाहर लोग खेलते होंगे। यूपी में बहुत जोरदार होली होती है, लखनऊ में भी बहुत जोरदार होली होती है, बस इस साल नहीं हो रहा है। व्हाइट कलर पहनते हैं मोस्टली, मैंने आज पहना है ब्लैक क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। मेनका के मामा के यहाँ पे जाने के लिए अंदर सब लोग रेडी हो रहे हैं, वहाँ पे जाके होली खेलने का प्लान है। अब बाहर निकल के होली तो नहीं खेलते, सब लोग अपने अपने छतों पे होली खेल रहे हैं। हमारा भी कुछ ऐसे ही प्लान है, वहाँ पे जाके होली खेलेंगे, देखते कैसे होता है होली का दिन। हैप्पी होली अंकल। हैप्पी होली, सेम टू यू। होली हैप्पी होली आंटी, सेम टू यू। मिनका हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हेलो सबको हैप्पी होली। यूपी का स्पेशली आज होली के दिन बनता है गुजिया, बहुत मजा आती है खाने के लिए। लखनऊ की सुनसान गलियों में अभी व्लॉगिंग चल रहा है, खेल रहे कुछ लोग बट ज्यादा नहीं। डाल पानी मत डाल। अरे वाह हैप्पी होली, यहाँ पे लग रहा है कि होली मन रहा है। अरे हैप्पी होली, हैप्पी होली। काय कर रही है? हैप्पी होली मामा। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली मेनका। टीका लगा दे ऐसा कैसे? आप होली का कलर लगाएंगे? भैया हैप्पी होली, हैप्पी होली मेनका। भैया लगाए नहीं ना? आज का दिन सब चलता है यार।
यहाँ पे कैमरा बहुत संभालना पड़ेगा, कैमरा बहुत संभालना पड़ेगा वरना कैमरे पे तो पूरा जाने वाला। अंकल आप भी रेडी हो गए? अरे हैप्पी होली। मामा की इसमें कलर नहीं लगाया यार, थोड़ा लगाओ ना यार। लगता है अभी। लगाओ लगाओ। छत पे जाके खेलते हैं भाई, वरना यहाँ पे तो हाँ यहाँ खेल सकते ना। पक्का नहीं है। क्या लगाया? पक्का कलर मत लगा यार, पक्का कलर मत लगा, पक्का कलर नहीं। हैप्पी होली। मैं भी लगाता हूं। पक्का कलर क्यों लगाया? बुला से खेलने का ना। ओए यार मेरे मुंह कैसे हो गए? लगा दिया इसने, फेस वैल्यू हुआ थोड़ा। अभी कल काले को लेके वीडियो बनाएंगे तो फेस चलेगा। पक्का मैं नहीं ना। मेरे को नहीं। मामी ने कौन सा कलर लगा दिया? पक्का कलर लगाया? काला काला लेके आया, काला कर दिया इनका। कहा दिख रही है? एक नंबर, एक नंबर एकदम। मामी ठंडक नहीं पड़ेगा, इसको लाना चाहिए। कलर ना शुक्र ला 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 भैया कुछ कुछ नहीं जोड़े चंदी जो। तू ये वो दिख रही है, ये वो दिख रही है। अवतार पिक्चर देखा तुमने? अवतार, अवतार में जो हीरोइन थी ना, ये तो अवतार पिक्चर की हीरोइन है। क्या बात है, मामा एकदम कोऑपरेटिव है, एकदम कोऑपरेटिव। देखो बिल्कुल कुछ नहीं बचा, एकदम फर्स्ट क्लास मेकअप, ठीक है ना? देखो मेनका को एकदम ये कर देगी अपन, अवतार पिक्चर की हीरोइन बना देगी। एकदम एकदम धीरे से, कोई टेंशन नहीं। जो बच्चा कुछ कलर है ना मामी, जो बच्चा कुछ कलर है ना, देखो ऐसा पूरा ये जगह पे लग गया। मैं आंटी के नहीं नहीं तुम समझदार हो ना? मैं समझदार हूँ। बॉम्बे में तो हालत ख़राब है, मैं सुना कि बॉम्बे में सब कुछ बंद है, इस बार होली नहीं खेल पाएंगे। अच्छा हुआ मैं राइट टाइम पे निकला यहाँ से। देखो नीचे देखो, फुल धमाल हो रहा है। देखो कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक के अंदर भांग है। पिछले साल होली नहीं खेला था, मेरे को लगा इस साल होली नहीं बन पाएगी, अगर बॉम्बे में होता तो नहीं खेल पाता। बहुत कलर है ना, जाएगा नहीं? नहीं जाएगा। फाइनली चेहरे को रगड़ रगड़ने के बाद भी थोड़ा बहुत कलर बचा हुआ है। सिर्फ मेरा ही हाल नहीं है, सबका ही हाल है। यहाँ पे पक्के रंग से होली खेली गई है। ये तो वो लालम लाल लग रहा है। नेपाल जाने को एक दो दिन और लगेगा, क्योंकि शायद मेरे को लग रहा है कि एक दो दिन के बाद में बॉर्डर खुल सकता है और बाइक लेके जाने मिलेगा हम लोग को, ऐसा सुना गया है, बोला गया है। अगर होता है तो बहुत अच्छा है, वरना बिना बाइक के जाना पड़ेगा। तो एक दो दिन का लेते हैं टाइम। तो एनीवेज इट इज टाइम टू एंड दिस व्लॉग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन बिलो एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस। You can also follow me on Twitter, Instagram and Snapchat. Links are in the description below. Till then, bye, take care, see you later. And much chaatero. Chalo guys, bye, take care.